इंटरनेट इंटरनेट नहीं बल्कि लफड़ा नेट हो चुका है, जहां देखो वही दंगे। कहीं कोई किसी को मारने के लिए बुला रहा है तो कहीं कोई खुद मार खा रहा है। मतलब कि यार सस्ता WWE बना के रख दिया सोशल मीडिया को। भाई किस किस टाइम से खुलावा दे रखा है? 10 बजे मैंने चैलेंज दिया था कि आ जाओ और 10:30 बजे से लोग और चैलेंज कुछ नहीं है बिना मत... पिछले 20-25 दिन में ना जाने पूरे भारत ने क्या क्या नहीं देखा। किसी ने तो अपनी पूरी शादी ही इंस्टाग्राम रील पे कर दी। और आज दोस्तों फाइनली हमारी शादी हो रही है। शादी तो 10 दिन पहले हो गया था, मिनी ब्लॉग आज आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। माता पिता अपने अंबानी जी, इन्होंने तो अपने बेटे के प्री वेडिंग में ही 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और ये बात जान के तुमको हैरानी होगी कि ये इनके कमाई का 0.01% है। मतलब समझ रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। और इंस्टाग्राम के कंट्रोवर्सी को मध्य ध्यान रखते हुए इंस्टाग्राम का नाम चेंज करके कांडग्राम रख देना चाहिए। और भाई इन सब के भी ऊपर आता है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वाली कंट्रोवर्सी। आप सबको पता ही है कि क्या हुआ। मैक्सटन ने सबसे पहले अपने एल्विश को ऑनलाइन पोक कर, एल्विश ने मैक्सटन को मिलने के लिए बुलाया तो मैक्सटन ने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, तुम आओ। वहां एल्विश गया और आगे का क्या हुआ तुमको पता ही है। मैक्सटन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गई और उसके 4-5 दिन बाद ही दोनों का गाना भी आ गया। ये सिनेरियो दिमाग से थोड़ा सा परे नहीं है? कि पहले गाना लिखा, उसको कंपोज करा, उसकी वीडियो बनाई और एडिटिंग करी, मतलब कि इतना सारा चीज 3-4 दिन में ही हो गया। कमाल है यार, सच बता रहा हूँ, इतने ट्विस्ट और ट्रेंड तो साथ निभाना साथिया में नहीं हुए। चलो एट द एंड इस कंट्रोवर्सी में जिसकी भी गलती थी उसने माफी मांगी और इस कंट्रोवर्सी को खत्म करा। वैसे यार अच्छा भी नहीं लग रहा था कि 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपस में लड़ रहे हैं, वो भी किसी तीसरे की वजह से। यार इस कंट्रोवर्सी से अगर किसी को फायदा हुआ तो वो है मैक्सटन। उसे पता तो चला कि एक थप्पड़ कितना तेज लगता है और एक थप्पड़ ने उसकी फेस वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ा दी, जो कि मैक्सटन ने खुद बताया है। और भाई इस कंट्रोवर्सी का दी एंड होने के बाद तो इंस्टाग्राम से मसाला ही खत्म हो गया था यार। और इस कंट्रोवर्सी से लोग उठकर अपने काम धंधे पे लग रहे थे कि फिर एक नई कंट्रोवर्सी आ गई, राजवीर वर्सेस रजत दलाल। हाँ ये वही रजत दलाल है जिसने एल्विस और मैक्सटन की कॉम्प्रोमाइज करवाई थी यार। पर इनके लफड़ों की वजह से सबसे ज्यादा फायदे में पेट्रोल पंप वाले ही जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं यार ये जितने भी लफड़े हो रहे हैं सब गाड़ी से ही घूम रहे हैं, पता नहीं ये सब कहाँ जा रहे हैं। और इतना गोल गोल तो गूगल मैप भी नहीं घुमाता जितना इन दोनों ने घुमा दिया। 10 मिनट में लोकेशन चेंज कर रहे थे, लड़ाई की लोकेशन देकर गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो भाई कुछ भाई हमारे कह रहे हैं वो लोकेशन दे रहा चले जाओ, मैं बता इतने देर से रुका हुआ हूँ तू नहीं आ रहा, जा रहा हूँ मैं अब। मतलब कि यार यही चल रहा था इतने देर से, लगा तेरे टाइम तेरा और तू बुला लियो मैं आ जाऊंगा। मतलब कि यार यही चल रहा है। और जब बुलाया तब खुद तो पहुंच नहीं पाए, पुलिस जरूर आ गई। और यार कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी कर रहा है उसके रातों रात मिलियंस में फॉलोअर्स हो रहे हैं, और क्या चाहिए यार। कोई थप्पड़ खा के फॉलोअर्स बढ़वा रहा है तो कोई बार बार अपनी लोकेशन चेंज करके। वहां रजत भाई राजवीर भाई की फील्डिंग लगा रहे हैं और यहाँ राजवीर भाई रजत भाई की फील्डिंग लगा रहे हैं। मतलब दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक दूसरे की फील्डिंग लगा रहे हैं। फील्डिंग ही लगा रहे हो तो एक T20 मैच ही कर लो ना आपस में जब तक IPL नहीं आता। इसमें दोनों का फायदा है, क्रिकेट मैच में कोई भी हारे या जीते लास्ट में दोनों आपस में गले तो लगते हैं, और वो तो शुक्र मनाओ इस वाले मैटर में अभी तक अंजलियंस नहीं आई, वरना और कंफ्यूजन हो जाता। भाई जो सोशल मीडिया के कंट्रोवर्सी जिस हिसाब से सोल्व हो रहे हैं ना, और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे कोर्ट में इतने केस पेंडिंग है अभी तक, तो उनको मैं बता दूं तुम केस गलत जगह लड़ रहे हो। ये सारे केस सोशल मीडिया पे शिफ्ट करो फटाफट, 2 दिन के अंदर में अगर सारे केस सोल्व नहीं हुए तो तुम मेरे से कॉन्ट्रोवर्सी कर लेना। इस बहाने दोनों के फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। और भाई तुमको पता है सोशल मीडिया पे 2 दिन के अंदर में सारे केस सोल्व कैसे होंगे? जज साहब के सामने नहीं, 36 बिरादरी के सामने, वो भी इंस्टाग्राम लाइव पे, और इसमें पूरा भाईचारा डिसीजन लेगा। सोशल मीडिया की गैंग वॉर देख करके तो खुद मोदी जी भी शोक में, कह रहे हैं कि चलो ठीक है इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर तो पैसा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, पर इन लोगों का क्या जो अपनी एग्जाम की तैयारी छोड़ के, अपने ऑफिस का काम छोड़ के नई अपडेट पर पहली नजर बनाए हुए हैं कि अब इसकी लाइव आएगी, अब इसकी स्टोरी है, अब इसकी रील आएगी, अब इसकी स्टोरी अपडेट आएगी, कल को यही लोग सरकार को नौकरी ना दे रही का ताना मारेंगे। और ये जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर लड़ रहे हैं, मुझे तो पक्का लग रहा है कि कोई नए ब्रांड का प्रोटीन आने वाला है मार्केट में। और लोगों को इंटरनेट पे CID बनने का इतना शौक है, मतलब पता होता कुछ नहीं है कि भाई ये बॉडी बिल्डर तो कोको कोला पी रहे अपनी लाइफ में, मतलब कैसे पी रहे अपनी लाइफ में कोको कोला, और ये सारे कैसे पी रहे अपनी लाइफ में कोको कोला, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं यार, पक्का ये स्क्रिप्टेड है। हाँ भाई तुमने पता लगा लिया, तुम बहुत स्मार्ट हो।
आदमी इंटरनेट पे एक बात एक्स्ट्रा बता के खुद को ऐसे समझेगा जैसे सीबीआई का जमाई हो। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने तो, रो टू रो कनेक्ट कर दिया लो। अबे जरा जरा सी चीज से तो तुम अपने पैंट में मोड़ देते हो और फिर कहते हो कि इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे। ये सब होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि 9वीं 10वीं के इनमैच्योर बच्चे जो कि कमेंट सेक्शन में जा जाकर प्रवोक करते हैं कि भैया जाट पावर दिखा दो, जयराज पुताना भैया यादव समाज की पावर दिखा दो, ये इन्फ्लुएंसर इनको सीरियसली लेकर एक दूसरे को पोक करने लग जाते हैं। तो भाई मैं इनको एक बात बोलना चाहूंगा कि जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब तो सब एक थे, सब हिंदू थे, और फिर जब ये इंस्टाग्राम की कंट्रोवर्सी हुई तो भाई कहां गया हिंदू समाज, कोई हिंदू नहीं बचा, ये सब 36 बिरादरी में डिवाइड हो गए। कोई जाट बन गया, कोई गुर्जर बन गया, कोई राजपूत बन गया, कोई यादव बन गया, ऐसे ऐसे करके भाई सब अपने। इन सबसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई तुम किसी भी बिरादरी के हो पर पहले तुम हिंदू हो और हिंदू कम्युनिटी एक सिंगल कम्युनिटी है। और भाई ये बात याद रखो कि हिंदू रिलीजन बहुत किस्मत वालों को मिलता है, तो इसकी रिस्पेक्ट करो यार। और जिस हिसाब से पिछले वीक से कंट्रोवर्सी हो रही है ना इंस्टाग्राम पे, तो ये ईगो ईगो की फाइट में अगर कोई मर वर गया ना या किसी को कुछ हो गया तो कोई समाज नहीं आएगा उसे जेल से निकालने में। सारे समाज वाले निकल जाएंगे सुबह अपने काम पे और थाने के बाहर एक ही बिरादरी खड़ी रहेगी, वो है आपकी फैमिली और आपका वकील बस। और भाई इस इंटरनेट के फाइट का तो कभी एंड होगा नहीं। बाकी इस फाइट को अगर फिजिकली कहीं बाहर शिफ्ट करोगे तो भाई किसको मान लो, इसमें आपने सामने वाले को मार भी दिया तो भाई क्या प्रूफ कर लोगे अपने आप को। वैसे भी इंटरनेट 2 दिन से ज्यादा किसी को याद रखता नहीं, तुम्हारी जगह कोई और इन्फ्लुएंसर आ जाएगा और वो पब्लिक को एंटरटेन करेगा। और कौन से किताब में तुम्हारा नाम आ जाएगा कि इंटरनेट पे इस बंदे ने एक बार बहुत मस्त फाइट करी थी। तो भाई जितने बंदे इनकी कंट्रोवर्सी देख रहे थे अपना सारा काम धंधा छोड़ के, अपनी पेपर की तैयारी छोड़ के, उन्हें मैं बता दूं तुम्हारा बहुत ही बड़ा टाइम वेस्ट हो चुका है भाई। इन सब के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गई है आराम से, अब तुम्हारा टाइम वेस्ट तो हो ही चुका है ठीक है। और इनके फॉलोवर्स भी बढ़ गए दोनों के, बढ़िया, वो भी एक नंबर बढ़े हैं। तो चलो कोई ना, आगे से ध्यान रखो भाई, इन कॉन्ट्रोवर्सी पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये सब शॉर्ट हो जाएंगे, 3-4 दिन की कॉन्ट्रोवर्सी रहती है। तो भाई सबसे पहले तो सभी को राम राम। दोनों भाई मेरे छोटे हैं, दोनों बैठे हैं यहाँ पे, इनका जो भी मैटर था आपस में वो सोल्व हो गया है। और भाई अभी तक तो तुमने ये न्यूज देखी ली होगी कि अपने अल्पेश भाई अरेस्ट हो चुके हैं। बाकी भाई सच झूठ का तो हमें पता नहीं कि क्या सच है क्या झूठ है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या सच है और क्या झूठ है। बाकी हमें जितना पता है और जितना और पता लगा सकते हैं भाई, उस सबको इकट्ठा करके एक प्रॉपर वीडियो जरूर निकालेंगे इसके ऊपर। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखो अपना, जय श्री राम।